नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है मुंबई मिनट का, तो आइए मुंबई की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं एक मिनट की रिपोर्ट के जरिए। आईपीएल 2022 अब बस कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाला है। 26 मार्च को पहला मैच कोलकाता और चेन्नई के बीच खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि अब आईपीएल 2022 का आयोजन बंद दरवाजों के पीछे हो सकता है। आईपीएल 2022 के लिए फैंस को तगड़ा झटका लग सकता है। अब आईपीएल 2022 को बिना दर्शकों के साथ कराया जा सकता है। पहले महाराष्ट्र सरकार ने टूर्नामेंट में 25% दर्शकों के आने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इस आदेश को वापस लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में नए कोविड-19 खतरे की चेतावनी दी है, जिसका आईपीएल पर असर पड़ा है। आईपीएल 2022 के ज्यादातर मैच मुंबई के मैदान पर खेले जाने हैं। कोरोना महामारी की वजह से ज्यादातर मुकाबले महाराष्ट्र में होंगे। लीग राउंड में कुल 70 मुकाबले होने हैं। मुंबई के 3 वेन्यू वानखेड़े स्टेडियम, डीवाई पाटिल और बेरबोर्न में कुल 55 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके अलावा पुणे में 15 मैच। ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA2 की वजह से यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकार लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये नया वेरिएंट भारत में चौथी कोविड लहर का कारण बन सकता है। इस बीच महाराष्ट्र पिछली लहरों के दौरान सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा है, को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ दिनों पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने नगर निगम आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को एक और संभावित उछाल के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने शनिवार को कहा था कि पिछले 24 घंटों में कुछ देशों में 2 साल पहले महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा कोविड मामले सामने आए हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी आ सकता है, लगातार मामले जो है बढ़ सकते हैं। इस तरीके की चेतावनी दे दी गई है, साथ ही लोगों को मास्किंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को सभी मोर्चों पर भाजपा के मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। उद्धव ने विशेष रूप से अपनी पार्टी के शिवसेना के भगवा को बदनाम करने वाले भाजपा के सभी प्रयासों को नष्ट करने के लिए कहा है। कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी का हिंदुत्व अवसरवाद का हिंदुत्व है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें दिखाओ कि राज्य हिंदुत्व के विचारों से भरा हुआ है। हम हिंदू हैं और आखिरी सांस तक हिंदू रहेंगे। हमने भाजपा छोड़ा है, हिंदुत्व नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता सभी गांव तक पहुंचे और भाजपा को अपना हिंदुत्व दिखाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को जनाब सेना कहे जाने पर बीजेपी को बताया हिजबुल जनता पार्टी, कहकर जवाब दिया है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि यह भाजपा की ही साजिश है कि AIM ने उन्हें गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। राउत ने एक बार फिर जोर कर कहा कि दोनों पार्टियों में गठबंधन कभी नहीं होगा। बीएमसी ने शुरू की चौथी लहर की तैयारी। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने जानकारी दी है कि सुरेश ककानी ने कहा, यदि चौथी लहर आती है तो लक्षण वाले मरीजों के लिए 30,000, बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए 40,000, कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले के लिए 30,000 बेड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। वही जरूरत पड़ने पर 1,00,000 से ज्यादा बेड्स भी तैयार किए जा सकेंगे। ककानी ने बताया कि वर्तमान में मरीजों के लिए 30,000 बेड्स उपलब्ध है, जबकि केवल 60 से 70 मरीजों का बेड्स पर इलाज जारी है। ककानी ने आगे कहा कि मार्च 2020 में मुंबई में कोरोना आने के बाद बीएमसी को 2 घातक लहरों का सामना करना पड़ा था। वहीं तीसरी लहर को कंट्रोल में लाने के लिए बीएमसी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हालांकि अब WHO की चेतावनी के बाद बीएमसी पूरे तंत्र को तैयार रखेगी। वहीं अस्पतालों में घटते मरीजों की संख्या के चलते अस्पताल दूसरे रोग से ग्रसित मरीजों के इलाज को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन चौथी लहर के खतरे को देखते हुए बेड्स, दवाई, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। मुंबई महानगर पालिका ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को एक और नोटिस भेजा है। नारायण राणे को एक और बार चेतावनी दी गई है। उन्हें अपने मुंबई के जुहू स्थित बंगले में अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है। इसके लिए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी गई है। इस बीच याद दिला दें कि नारायण राणे महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता है और बीएमसी पर शिवसेना राज करती है। फिलहाल शिवसेना का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन की पुनर्बहाली के लिए तैयार की वजह बताकर चुनाव को आगे धकेल दिया गया है और बीएमसी में प्रशासक नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर बीएमसी में शिवसेना की मजबूत पकड़ है और बीजेपी नेता नारायण राणे और उनके दोनों बेटे नीलेश राणे और नितेश राणे शिवसेना पर आक्रामक रहे हैं। कुछ दिनों पहले नारायण राणे और नितेश राणे को अरेस्ट भी किया गया था, इसलिए कई लोगों को बीएमसी के नोटिस को भी राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई जो है वो बताई जा रही है।
तो आपने देखी मुंबई की कुछ बड़ी खबरें एक मिनट के रिपोर्ट के जरिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। कल फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी मुंबई मिनट में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।